ये है हमारा घुटना, ये ऊपर की हड्डी, ये नीचे की हड्डी, और ये हमारा टखना जिसको हम पटेला कहते हैं, और ये हमारी मांसपेशियां। 100 साल तक इस घुटने में दर्द नहीं होगा यदि आप फॉलो करेंगे वो 6 स्टेप्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वो 6 स्टेप्स में ये जो हमारा छोटा सा घुटना है, अगर इसमें हम इसके ऊपर इतना बड़ा वजन डालेंगे तो डेफिनेटली इसमें दर्द होगा। तो पहला स्टेप है वजन कम करिए, बैठिए। अब आप कहेंगे कि बहुत छोटी उम्र में भी आजकल बिना पत्ती लड़कियों को भी लड़कों को भी सबको घुटनों में दर्द हो रहा है। उस घुटने के दर्द का कारण है वो है हमारा खान पान। हमारे खान पान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोजिश पैदा करती हैं। जब वो सोजिश पैदा करती हैं उनकी यहाँ पे डेपोजिशन हो जाती है, वो यहाँ पे जमा हो जाती हैं। जब वो यहाँ जमा हो जाती हैं तो ये चीज़ें आपस में जब चलती हैं तो ये रगड़ खाती हैं। जब ये रगड़ खाएंगी तब हमें दर्द होगा। तो हमारे खान पान में हमें क्या नहीं करना है, खान पान में हमें ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें बहुत चीनी वाला खाना, बहुत सॉल्ट वाला खाना, फैटी खाना और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वाला, वो इन्फ्लामेशन पैदा करता है या ट्रांसफैट जिसको हम कहते हैं, वो नहीं लेना। तो हमें दूध अवॉइड करना है। सिर्फ जो बहुत पतले लोग हैं वो पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मोटे हैं उनको दूध अवॉइड करना है। दूध की जगह पे वो छाछ ले सकते हैं और लस्सी ले सकते हैं, नमकीन थोड़ा सा नमक डाल के या फीकी लेंगे, जिससे कि उनका कैल्शियम पूरा हो जाए। खानपान अगर हम फ्रेश फ्रूट्स रखेंगे, हर्ब्स रखेंगे, जिंजर अदरक है, हल्दी है, कड़ी पत्ता है और ऑरेंज एप्पल पाइनएप्पल ये सब ऐड रखेंगे तो इस घुटने में कभी भी आपको दर्द नहीं होगा। खानपान के बाद अगली चीज़ है हमारा पोस्चर, हम किस तरीके से बैठते हैं। ये जो बैठने का तरीका है, अब मैं सीधी बैठी हूँ और मेरा घुटना यहाँ नीचे लटक रहा है। अगर मुझे ये घुटना मेरा ऐसे नीचे लटकेगा तो इसमें यहाँ पे आप ये देखेंगे ऐसे ये लटकेगा तो ये पेन पैदा करेगा, बिकॉज ये जो चीज़ है इस पे ऐसे रगड़ खाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ मोड़ूंगी ऐसे करके, इसीलिए 6 से 8 इंच की मेरे को एक फट्टी रखनी है जो मैं जब ऑफिस चेयर में बैठूंगी तो उसको ऐसे रखूंगी। अगर ऐसे रखूंगी और ये चीज़ ऐसे होएगी तो ये दोनों चीज़ें आराम देंगी और ये दर्द नहीं होगा। तो ये जो मूवमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका एंगल, इसकी हाइट और इस जॉइंट की हाइट में एक एंगल होना चाहिए। ये जॉइंट, नी जॉइंट जो है वो हिप जॉइंट से हमेशा 1½ इंच ऊपर रहना चाहिए और सपोर्टेड रहना चाहिए, ताकि 6 से 8 इंच, ताकि ये नी में दर्द ना हो। अगली रहेगी मेरी चप्पल। आपने देखा ही होगा मैंने चप्पल भारी पहनी हुई है, इसीलिए मेरे घुटने में कट कट की आवाज़ आती है। इस चप्पल को अगर मैं सीधा पहनूंगी, बिना हील के पहनूंगी और सॉफ्ट पहनूंगी तो मेरे घुटने को आराम मिलेगा। तो हमें हमेशा वो चप्पल पहननी है जिसको ऐसे मूव करने से वो चप्पल को थोड़ा सा मूवमेंट हो, ताकि हमारे घुटने को आराम मिले। अगली चीज़ रहेगी धूप, विटामिन डी, जो इस टाइम का सबसे बड़ा एपिडेमिक है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। 90% पॉपुलेशन जो धूप में नहीं निकलती वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। धूप से ही विटामिन डी मिलता है, जो खाने पीने से विटामिन डी मिलता है वो पूरा नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम धूप में ज़रूर निकलें। 30% बॉडी चाहिए और एक्सपोज्ड बॉडी चाहिए। कपड़ों के नीचे कभी भी विटामिन डी नहीं बनता, क्योंकि जो स्किन है हमारी वही विटामिन डी बनाती है, वरना विटामिन डी नहीं बनेगा। हम पहले साड़ियाँ पहनते थे, धोतियाँ पहनते थे, तो हमें विटामिन डी थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन अब तो हम पूरे पूरे कवर्ड कपड़े पहनते हैं और अंदर रहते हैं तो हमें विटामिन डी नहीं मिलता। ये हुआ हमारे 5 स्टेप्स। अब फाइनली जो हमारी चीज़ जो रामबाण है घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए, और हमेशा जब हम ऑफिस में बैठे हैं, जब हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमें सिर्फ दिमाग में ही रखना है कि मुझे अपना घुटना ठीक रखना है, तो उसके लिए मैं आपको 4 व्यायाम बताऊंगी, 4 एक्सरसाइजेस, बड़ी सिंपल, इतनी सिंपल कि कोई बच्चा भी कर लेगा। जब वो स्कूल में भी बैठा होगा, अगर उसको लगता है कि मेरे घुटने में दर्द हो रही है तो वो फॉलो करेगा तो उसको ये दर्द ठीक हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज रहेगी कि पैर को बड़े प्यार से ऊपर की तरफ लेके जाइए, इसको यहीं पर रोकिए, 1, 2, 1 से लेके 10 तक गिनती करिए और फिर बड़े प्यार से इसको नीचे रहिए।
जो सबसे जरूरी बात है कि हमें बड़े प्यार से ये करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो इससे तो रगड़े जाएगी, अगर वो रगड़ेंगे तो फिर हमारी दर्द बढ़ जाएगी और सोजिश भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम दूसरे पैर के साथ, दूसरे घुटने के साथ करेंगे। इससे क्या है कि जो हमारी ये वाली मांसपेशी है वो स्ट्रांग होएगी। जितनी भी मांसपेशियां हैं वो जॉइंट को इस तरीके से खींच के रखती हैं और यहाँ पे जगह बना के रखती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ढीली पड़ जाती हैं, दोनों चीजें आपस में इस तरीके से रगड़ खाती हैं, जब ये रगड़ खाएंगी ये जो जॉइंट स्पेस है ये कम हो जाती है, ये एक दूसरे पे रगड़ खाती हैं तो बहुत पेन होती है और तभी नी प्लेसमेंट की बारी आ जाती है। इस मसल की जिम्मेवारी आपकी है। ये हुई पहली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज रहेगी इस पैर को सीधा रखेंगे और केवल ऐसे ऐसे करेंगे। इससे जो पीछे वाले आपके मसल्स हैं, जो पीछे टांग के पीछे हैं, वो हेल्दी रहेंगे आपके। बस आपको ये भी 10 बार करना है यूं यूं करके, और मूवमेंट है आगे पीछे की, खींच के रखना है ऐसे दूसरे घुटने के साथ। फिर आएगी तीसरी एक्सरसाइज, एक फिस्ट मुट्ठी बनाएंगे। हमारे को कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ ही काफ़ी हैं। दोनों घुटनों के बीच में ऐसे रखेंगे और इसको खूब जोर से दबाएंगे। इससे जो हमारा जो बीच वाला मसल है, जो अंदर की तरफ जो मसल्स हैं, जो यहाँ पे जो मसल्स हैं, वो ठीक होएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी, ये साइड पे हाथ रखेंगे हम, इसको ऐसे दबाएंगे और हाथ को अंदर की तरफ, घुटने को बाहर की तरफ, इसको ऐसे दबाएंगे। ये एक्सरसाइज 10 की काउंटिंग पे, 4 एक्सरसाइजेस 10 की काउंटिंग के लिए दिन में 2 बार करेंगे, और हर एक्सरसाइज आपने 10 बार करनी है। ये जो 4 × 10 × 10 है, 2 × 4 × 10 × 10 है और × 2 है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपके घुटने को 100 साल तक दर्द नहीं होने देगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इसको आप शेयर करिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है किसी और को पास करेंगे तो उनको आप घुटनों के दर्द से और घुटना बदलवाने से बचा सकते हैं।